शरीर को पोषक तत्व देने के लिए रोज़ाना फलों सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। मौसमी फल पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। कुछ फल तो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं, ये गंभीर बीमारियों से आपके शरीर को सेफ रखते हैं। कई रिसर्च में पाया गया है कि कुछ फलों की ज़्यादातर पौष्टिकता उसके छिलकों में होती है। ऐसे में अगर उन फलों को छिलकर खाया जाए तो उनका उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि फल खाना ही ज़रूरी नहीं होता है, उसे किस तरह खाना चाहिए यह भी महत्वपूर्ण होता है। इस समय भूल कर भी न खाएं फल। फलों का ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिकता पाने के लिए सही समय और सही ढंग से खाना ज़्यादा बेहतर होता है। कई स्टडी में भी इस बात का पता चला है कि जब भी सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद फलों के सेवन से बचना चाहिए, इससे मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है। सेब। जिन फलों को छीलकर नहीं खाना चाहिए उसमें सेब का नाम सबसे पहले आता है। सेब के छिलकों में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। अगर आप सेब को बिना छीले खाते हैं तो छीलने की तुलना में 332% ज़्यादा विटामिन के, 142% ज़्यादा विटामिन ए, 115% अधिक विटामिन सी, 20% ज़्यादा कैल्शियम और 19% अधिक पोटेशियम मिलता है। आम। गर्मी के सीज़न में आम मार्केट में खूब मिलते हैं। कच्चे पके आम सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आम के छिलकों के साथ खाना लाभदायक होता है। आम के छिलके मैंगीफेरिन, नॉर्थीरियोल और रेस्वेराट्रोल जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये सभी फेफड़ों, कोलन, ब्रेस्ट, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों का रिस्क कम करती है। संतरा। विटामिन सी का संतरा अच्छा सोर्स होता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त फल है। विटामिन सी कई तरह के इन्फेक्शन से भी आपको सुरक्षित रखता है। संतरे के फल से ज़्यादा विटामिन सी ही उसके छिलकों में मिलता है। संतरे के छिलके राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के अच्छे सोर्स हैं। खीरा। गर्मी में खीरे का सेवन भी खूब किया जाता है, लेकिन खीरों को खाने से पहले उनके छिलकों को नहीं हटाना चाहिए। कई स्टडीज़ यह बताती हैं कि खीरे के छिलके फायदेमंद होते हैं। इनके छिलके में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम पाए जाते हैं। विटामिन के भी इसमें अधिक मात्रा में मिलता है। हाइड्रेशन बेहतर बनाने में इनका कोई तोड़ नहीं होता। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक, साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।